हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत मुंद्रा। आशा करता हूँ आप सब अपनी जगह ठीक ठाक हों। कल रात को थका हार गए, अब 8 बजे का टाइम हो गया, अभी उठे हम और आज फिर हरिद्वार डे 2 एक्सप्लोर करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएंगे आपको। दोस्तों अभी मैं नहा धो के जल्दी से आपसे मिलता हूँ, थोड़ी सी देर में फिर चलते हैं। भारत माता मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ की भी अलग ही मान्यता है। यहाँ पे सबसे पहले फ्लोर पे सूर्य मंदिर, फिर माता मंदिर, फिर संत मंदिर, फिर सत्संग हॉल, फिर शक्ति मंदिर, फिर विष्णु मंदिर, फिर शिव मंदिर सातवें तल पे। तो यहाँ पे भी बहुत सैलानी आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, जिसकी अलग ही मान्यता है यहाँ पे। और यहाँ का 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक का प्रातः 8 बजे से 8 बजे तक का समय है और 1 अक्टूबर से 31 मार्च प्रातः 8 बजे से 7 बजे तक का समय है। लो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे गंगा नदी का नजारा। और अब हम भूपतवाला रोड से होते हुए पहुंचे हैं बिल्कुल भारत माता मंदिर के पास में। ये जो लोकेशन है सीक्रेट लोकेशन है, अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इतने लोग आते नहीं है, मगर फिर भी आप यहाँ देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ कोई घाट स्पेशल ऐसा कुछ बना नहीं रखा है। लो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूँ घाट पे और अभी आपको दिखाता हूँ घाट का नजारा यहाँ से। दोस्तों अभी हम सप्तऋषि घाट पे पहुंच चुके हैं। लो दोस्तों, अभी हम नहाने के लिए उतर रहे हैं बस। जैसा कि हमने कहा था, हम भी गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं और अभी हम गंगा मैया के अंदर ही हैं। लो भाइयों, ये एक थोड़ा सा हरिद्वार से हटके घाट है सप्तऋषि घाट, और यहाँ पे ना आके काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना गंगा जी का बहाव थोड़ा तेज है और अभी हम घाट पर ही हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ घाट पे और कोई नहीं है, सब बोल रहे हैं बहाव तेज है तो कोई नहीं नहाएगा। हम तो आई गए। हर हर गंगे। और यहाँ पे हम कर रहे हैं गंगा जी का स्नान और अपने पाप धो रहे हैं दर्शन। हमें यहाँ पे लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया होगा नहाते हुए, और यहाँ पे वाकई बहुत मजा आ रहा है। हाँ। और अभी जो है ना, सुबह नाश्ता करने के बाद हम थोड़े थक गए थे और फिर थोड़ा आराम करके जो है, या कुछ भी बोल ले। हाँ। मैं नहीं बोला। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर और नहाएंगे और फिर उसके बाद रिलैक्स हो गए, फिर अपना लंच करेंगे और आपको भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ घूमेंगे हम इसके बाद। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं चाय उबासीपुर, जो कि हरिद्वार की एक फेमस दुकान है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की चाय मिलती हैं। अभी हम आपको यहाँ के ओनर से मिलवाएंगे और जो जो यहाँ मिलता है वो भी दिखाते हैं आपको। अब हम शॉप के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे ओनर के साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने यहाँ बहुत ही टेस्टी ये हमें लंच करवाया है यहाँ पे, और आप देख सकते हो। और यहाँ हम फूड लवर राहुल के साथ भी बैठे हैं, जिन्होंने सब टेस्ट करके बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है। वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे चाय डे का है जो हरिद्वार में, वन गुड। मतलब एक बार आके जो है यहाँ पे विजिट करना तो बनता है। और फ्रेंड्स रियली मतलब इतना अच्छा कुछ जो है ना, मतलब साफ सफाई के साथ साथ जो है एक वैल्यू फॉर मनी और एक वास्ट वैरायटी ऑफ मेन्यू, मतलब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बड़े से बड़ा ब्रांड जो है यहाँ पे, मतलब अगर एक बार आके टेस्ट करता है तो उनको जो है डिफरेंस खुद ही पता चल जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में, तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अभय जी जिन्होंने हमारे को यहाँ पे इन्वाइट किया। और इतनी टेस्टी जो है ना सैंडविचेस और जो शेक्स वगैरह ट्राई किए, और आपका भी थैंक यू सो मच, जो अपना कीमती समय निकाल के आप आए हैं। और यहाँ के ओनर ने हमें एक बात कही है, जो भी हमारे चैनल का रेफरेंस देके आएगा उसे अलग से ये डिस्काउंट देंगे यहाँ पे। श्योर 100%। तो इसलिए हम आपको कहेंगे यहाँ पे जरूर आके एक बार टेस्ट करो, और यहाँ का बहुत ही 50% ऑफ बताओ 50% बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा भाइयों, और जरूर हमारे चैनल का रेफरेंस देके यहाँ पे आओ। यहाँ के टेस्टी सैंडविचेस बहुत ही टेस्टी हैं जरूर, और शेक ब्लैक करंट वाला जरूर पीना, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। ये सृष्टि रचिया था भगवान श्री महर्षि कश्यप जी हैं। ये ऐसे घाट हैं जिनको अक्सर वीडियो में कोई नहीं दिखाता, मगर मैं यहाँ लेके आया हूँ, देख सकते हो आप। महर्षि कश्यप घाट है ये। कितनी रौनक हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि
कभी हरिद्वार आता है गंगा जल लेके जाता है यहाँ से जरूर, और यहाँ के नियो में गंगा जल आप खुद देख सकते हो, और इन्हीं केनियों में भरा हुआ गंगा जल हम सारे अपने घर पे लेके जाते हैं। अब काफ़ी अंधेरा हो गया है तो हम यहाँ से अपने रूम की तरफ चलते हैं। वहाँ घाट से हम आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा झूला ये है, तो देखो दोस्तों आप इस पर इतनी भीड़ लगी हुई है कि 50-60 आदमी अभी भी कतार में है यहाँ पे झूला झूलने के। बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रही है यहाँ पे। पसीने भी आ रहे हैं बिल्कुल, इंटर तो लग रहा है भाइयों। एक तो ये इतनी जोर से चिल्लाते हैं, इंटर लग रहा है सही में, बिल्कुल ही अंधेरा है। मुझे लग रहा है मैं भी चिल्लाऊंगा। वाह भाई, डर लग रहा है सही में। वाह जी वाह दोस्तों, जरूर कहूँगा मैं यहाँ जरूर आना है एक बार, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ देखने में। वाह जी वाह, बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, भूत से हेलो तो कर ही लेते। वाह जी, सही में डरावना बना रखा है वो, आप सभी दोस्त देख सकते हो। वाह भाई, सही में डर लग रहा था। लो दोस्तों आगे हम बाहर। दिल्ली से बड़े भाई आए थे यहाँ पे ब्लॉग बनवाने मेरा, और अब वो जा रहे हैं, और अभी उनकी वो ये ट्रेन आ चुकी है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयारी में खड़े हैं। अब उनको छोड़ के मैं भी अपना यहीं पे ब्लॉग एंड करता हूँ, और थोड़ा मन उदास है मगर क्या करें, भेजना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा आपको जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहना। नई वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक जरूर करना, और इनके चैनल को सपोर्ट जरूर करना फ्रेंड्स। मैं मिलता हूँ, बाय बाय।